राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए के तमाम नेता इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान मौजूद थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद अब संसद के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उस सत्र में जहां नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण करेंगे, वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हमारे साथ। प्रदीप, एनडीए की एक बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई है, क्या कुछ इस बैठक में रहा? देखिए, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। माना जा रहा है कि संसद में जो रणनीति है वो बनाई गई है इस बैठक के जरिए। इसमें वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे हैं, एनडीए नेता मौजूद रहे हैं। खास बात यह है कि जो सत्र शुरू हो रहा है, खासतौर से जो बुलाया गया है 24 तारीख से, उसकी रणनीति को लेकर इसमें चर्चा होने की खबर है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जो सत्र के दौरान जो स्पीकर का चुनाव होना है, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी सस्पेंस है, क्योंकि ये विपक्ष की मांग है कि डिप्टी स्पीकर पद उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर ये पद नहीं मिलता है तो स्पीकर पद पर भी वो दावा पेश करेंगे, तो चुनाव की स्थिति बन सकती है। और इसके मद्देनजर ही रणनीति बनाने में सत्ता पक्ष जुटा हुआ है। एनडीए के नेता जेपी नड्डा यहाँ पर इस बैठक में जुटे। इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव है, ललन सिंह जेडीयू कोटे से, वो इस बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक में शामिल रही है। तो रणनीतिक तौर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।